वेलकम टू सोनीस वर्ल्ड। तो आज हम देखते हैं फ्रेंड कि हम पोर्स को कैसे क्लीन कर सकते हैं और पोर्स को कैसे बंद कर सकते हैं, हाउ टू क्लीन एंड हाउ टू श्रिंक ओपन पोर्स नेचुरली एट होम। तो आज हम देखते हैं कि पोर्स को हम क्लीन कैसे कर सकते हैं। हमें अपने पोर्स को क्लीन करना बहुत जरूरी है अगर हम चाहते हैं कि हमारे फेस पे किसी भी तरह के ब्लैक हेड्स ना हो, व्हाइट हेड्स ना हो, एक्ने, पिंपल्स, ऐसी तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है अगर हमारी पोर्स क्लीन नहीं है। एंड सेकेंड थिंग कि पोर्स, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम इज द कॉमन प्रॉब्लम फॉर ऑयली स्किन। जिनकी ऑयली स्किन है इज कॉमन प्रॉब्लम, क्योंकि क्या होता है हमारी स्किन पे, यहाँ पे जो है पोर्स, मोस्टली ओपन पोर्स की प्रॉब्लम यहाँ हो जाती है, चिन पे हो जाती है। तो आज हम देखते हैं कि हम कैसे तरीके, कौन से नेचुरल तरीका ऐसा है जिससे कि हम पोर्स को क्लीन कर सकते हैं। अगर हम अपने एक स्किन केयर, अच्छा स्किन केयर रिजाइन फॉलो नहीं करेंगे तो हमें इस चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लैक हेड्स हो जाएंगे, व्हाइट हेड्स हो जाएंगे, एक्ने, पिंपल्स, पता नहीं क्या क्या। तो अगर हम स्किन केयर फॉलो नहीं करेंगे, सीटीएम फॉलो नहीं करेंगे, सीटीएम इज क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजर, मॉइस्चराइजिंग, ये तीन चीज़ें नहीं करेंगे तो हमारी स्किन को इस इन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है। तो आज हम देखेंगे कि हम कैसे अपने पोर्स को क्लीन कर सकते हैं, साथ ही साथ उसे बंद कर सकते हैं। पहले तो हम अपने पोर्स को क्लीन करेंगे, देन हम उसको बंद करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट एंड अपकमिंग वीडियोस हैं उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रेंड, हमको सबसे पहले चाहिए होगा कोई भी पील ऑफ मास्क। यहाँ पे मैं एवरयूथ का गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क ले रही हूँ। आपके पास कोई भी पील ऑफ मास्क को आप ले सकते हैं। ये सैशे में भी आता है 15 रुपए का, ना जाने 13 रुपए का, आप वो भी ले सकते हैं। तो मैं डालूंगी इसमें 1 टेबलस्पून गोल्डन पील ऑफ मास्क, और मैं फ्रेंड इसमें डालूंगी 1/2 टेबलस्पून मुल्तानी मिट्टी, और हम इसको सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें एक बहुत ही अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है ताकि हमें एक फेस पैक की मास्क की कंसिस्टेंसी मिल जाए। तो फ्रेंड, ये हमारा फेस मास्क तैयार है। इसे हम अपर डायरेक्शन अपने फेस पे लगाएंगे। मास्क अच्छे से हटा दिया है और अब अपने पोर्स को हम बंद करेंगे। तो ये मैंने आइस ली है, ये क्यूकम्बर वाटर की और रोज वाटर की आइस है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप डायरेक्ट अपने फेस पे आइस क्यूब ना लगाएं। आप इसे किसी टिश्यू पेपर में रैप करके या कॉटन के कपड़े में अच्छे से रैप करके अपने फेस पे लगाएं और सर्कुलर मोशन में अच्छे से मसाज करें। आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने मुल्तानी पील ऑफ मास्क बनाया था, पील ऑफ मास्क लिया था मैंने, और मैंने लिया था मुल्तानी मिट्टी। हम सभी जानते हैं कि मुल्तानी मिट्टी हमारे पोर्स को श्रिंक करने के लिए बहुत ही अच्छी होती है, और मैंने डाला था पील ऑफ मास्क। पील ऑफ मास्क भी हमारी स्किन के जितने भी डर्ट है, गंदगी है हमारे जो पोर्स के अंदर, उसको क्लीन अप करती है। तो बहुत ही अच्छा होता है, आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा। और ये बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, क्योंकि अगर आप बड़ा नहीं ले सकते एवरयूथ का, तो आप 13 रुपए या 15 रुपए का एक सैशे आता है, आप वो यूज कर सकते हैं, एक टाइम वन टाइम जो है वो यूज कर सकते हैं। सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा,
और अपने कमेंट्स, अगर आपको कुछ और हेयर केयर, ब्यूटी केयर और अपने कुछ एक्सरसाइजेस वगैरह जाननी है तो प्लीज डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन. मैं उसको जरूर बनाने की कोशिश करूंगी, न्यू वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगी. टिल देन बाय बाय एंड स्टे हेल्दी स्टे ब्यूटीफुल.